क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ एक्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहले हमें इंटरवल निकालना है, फिर ये बताना है कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग के लिए यानी वर्तमान के लिए, और कौन सा इंटरवल यानी अंतराल, इंटरवल का मतलब अंतराल, डिक्रीजिंग के लिए यानी ह्रासमान के लिए। आइए समझते हैं, बताइए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x³ - 3x² - 36x + 7। इसके बाद आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, यहां लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3 का x² का डिफरेंशिएशन 2x, 36x का डिफरेंशिएशन 1, 7 का डिफरेंशिएशन 0, ये बन गया 6x² - 6x + 36। यहां से 6 कॉमन है, x² - x - 6। ठीक, x² के फैक्टर हो रहे हैं, कर लेंगे -3x + 2x। x = 6, इन दोनों से कॉमन है x, इन दोनों से कॉमन है +2, इन दोनों से कॉमन है x - 3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फॉर मेकिंग इंटरवल का मतलब अंतराल बनाने के लिए, लिख देना अंतराल बनाने के लिए f(x) = 0 ले लेंगे, तो 6x - 3x + 2। अब 6 को 0 के नीचे जाए खत्म हो जाएगा, क्या बच्चा, जब इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू 3, जब इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू -2। तो अभी x की वैल्यू निकली, अब इंटरवल यानी अंतराल कैसे बनाएंगे समझिए। रियल नंबर पे लिमिट क्या होती है, -∞ से +∞। सभी नंबर, सभी संख्याएं -∞ से +∞ के बीच में होती हैं। पहले एक वैल्यू 3, एक वैल्यू -2 है, इन दोनों में वैल्यू जो छोटी है यानी लेस वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, -2, उसको पहले लिखेंगे, और 3 उसका स्थान यानी इसका प्लेस यहां दे दिया। अब एक इंटरवल ये बना, दूसरा इंटरवल ये बना, तीसरा इंटरवल ये बना, एक चेक करेंगे इसके बीच का, चेक कर लेंगे नेचर कि वर्तमान है कि ह्रासमान है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो जैसा होगा उसका चेंज ये होगा, उसका चेंज ये होगा, यानी अगर ये वर्तमान आ गया तो अगला ह्रासमान होगा, फिर अगला वर्तमान होगा, अगर ये ह्रासमान आ गया तो अगला वर्तमान होगा, फिर अगला ह्रासमान होगा, कहने का मतलब अगर ये इंक्रीजिंग है तो अगला डिक्रीजिंग होगा, फिर अगला इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये डिक्रीजिंग है तो अगला इंक्रीजिंग होगा, फिर अगला डिक्रीजिंग होगा। चलिए समझते हैं, इंटरवल क्या बन गए, ये भी समझ लो, -∞ से -2, फिर -2 से -3, फिर अगला -3 से ∞। अब इनफाइनाइट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा बिग ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लेता है स्मॉल ब्रैकेट, ये देखिए, अब इसमें स्मॉल ब्रैकेट तो अगला बिग ब्रैकेट होगा कॉमा। अब इस बार यहां -2 पे क्या है, बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट है, तो इसमें अगली बार -2 पे दोबारा छोटा ब्रैकेट आएगा, अब अगर यहां छोटा ब्रैकेट तो अगला बिग ब्रैकेट लेगा, यहां पे -3 में क्या था, बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, तो अगली बार -3 में छोटा ब्रैकेट,
ये तरीका होता है इंटरवल बनाने का। इससे जांच कर लेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, इस पर एफएसएस निकालेंगे। एफएसएस क्या था, सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। कोई ऐसी वैल्यू सर्च करो जो इस इंटरवल के बीच में है, यानी इस वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू छांट लो या इससे कोई छोटी। तो हमने माइनस टू से छोटी वैल्यू ले ली अपने मन से, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव कुछ भी ले लो हम, चलो हमने पसंद की माइनस फाइव, माइनस फाइव ही लेते हैं। हर जगह जा रहा है एक्स है, अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्या होता है, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग। अब कैसे हमने इंक्रीजिंग लिख दिया, क्योंकि जो वैल्यू जो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा जीरो से कैसी होती, ग्रेटर होती है। तो हमने दिखाया था अभी जो पहले वीडियो में, यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो फंक्शन कैसा होगा, वर्धमान होगा यानी इंक्रीजिंग होगा। अब क्या दोस्तों माइनस फाइव ना रखते तो आप माइनस फोर रखो, ऐसी वैल्यू रखनी है जो इससे बड़ी हो इससे छोटी हो। तो माइनस टू से छोटा क्या होता है, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन कोई भी रख दो आप, हमेशा इसमें जो नेचर होगा ये वही आएगा। तो माइनस फाइव रख दिया। अब आप कहते हो माइनस फोर पे चेक करेंगे, माइनस फोर भी तो माइनस टू से छोटा होता है, तो उस पर चेक कर लो, देख लेते हैं माइनस फोर पे यहां से क्या आया, माइनस सेवन यहां से क्या आया, माइनस टू। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन वैल्यू क्या आ रही उससे मतलब नहीं, नेचर कैसा है पॉजिटिव, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव हमेशा वर्तमान यानी इंक्रीजिंग आता है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का ये साइन होता है। तो अगला इसका अपोजिट होगा डिक्रीजिंग, इसका साइन ऐसे होगा, फिर अगला इंक्रीजिंग होगा, आंसर कैसे देंगे समझिएगा। इंक्रीजिंग के दो मिल गए, ये और एक ये, तो इन दोनों को एक साथ देखो, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, एक ये इंक्रीजिंग का आंसर है, ये इंक्रीजिंग का आंसर। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान, डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान। तो एक ये माइनस थ्री का माइनस फाइव, अब दो आंसर है तो दोनों को हम यूनियन से सबमिट कर देंगे, यानी बीच में क्या लगाते हैं, यूनियन, ठीक है। इस पर क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक, इंक्रीजिंग के लिए एरो ऊपर जाएगा और एक आंसर डिक्रीजिंग का वो भी लिख लेंगे, माइनस टू से माइनस थ्री, इस पर डिक्रीजिंग, इसके लिए एरो नीचे है। तो ये तरीका होगा आंसर देने का। तो आज जो आपको वर्धमान ह्रासमान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया गया, उस तीनों वीडियो को अच्छे से रिलाइज करें, इन्हीं क्वेश्चन को दो तीन बार लगाएं अच्छे से, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर बुक से अपने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करें, तो आपका जो भी है अच्छे से टॉपिक अपने आप क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे। बहुत टफ क्वेश्चन है उन्हें लगाइए, जिस टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए बस उसी टाइप के लगाइए। ओके।